अगर मिस बोरिंग ने पॉपी ढूंढ लिया तो हमें स्कूल जाना पड़ेगा। हाँ, जिम वाले दोस्तों को बर्बाद करने के लिए। अरे ये किसने किया? अरे मेरा पॉपिट किसने खराब किया? मुझे ये मेकअप वाली चीजें अच्छी नहीं लगती स्कूल में। यार मुझे ये मेकअप वाली चीजें स्कूल में अच्छी नहीं लगती। हाँ, स्कूल साफ करना, खिड़कियाँ साफ करना और ये बेंच भी साफ करना, मतलब के पूरे स्कूल को साफ करना। अरे कोई बात नहीं, ये सिर्फ 5 दिन का टॉर्चर है। हाँ, और आज हमारा 4th दिन है। अरे तुम बहुत लकी हो, मेरा तो 1st दिन है, मुझे अभी बहुत देर लगनी है। हाँ मैं अभी बहुत ज्यादा देर करूंगा, लेकिन टीचर का पता नहीं। अरे 1 मिनट, क्या तुम्हें ये सब करना अच्छा लगता है? नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ ये देखो। अरे नहीं, ये इतना बड़ा क्या है? इससे बड़ा पॉपिट तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी। हाँ नहीं करूंगा। तो अब समझ आई मुझे तुम क्यों कह रहे थे, इतना बड़ा पॉपिट कहाँ से आया तुम्हारे पास? अरे नहीं, तुम बस इंजॉय करो, ये देखो कितना प्यारा है और कितना बड़ा है, है ना? हाँ वो तो है। हाँ और तुम पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा कूल पॉपिट प्लेयर हो। हाँ रुको, क्या वो आवाज तुमने सुनी? ये देखो कौन सी आवाज है। अरे ये तो हमारी क्लास की लड़कियां हैं, ये पॉपिट छुपा दो, मैं उन्हें नहीं दिखाना चाहता। हाँ मैंने कल देखी थी, वो बहुत प्यारी तस्वीर थी। हाँ? अरे ये किसका है इतना बड़ा पॉपिट? अरे ये इतना बड़ा पॉपिट? हाँ ये तो वाकई बहुत बड़ा है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये हम खुद लेकर आए हैं। अरे दोस्तों क्या मैं टच कर सकती हूँ इसे? और हाँ मुझे भी करना है। ए लड़कियों बस कर दो। क्या हुआ? क्योंकि ये देखो ये पहले ही खराब हो रहा है नीचे से। ओ ये तो पहले ही नीचे से खराब हो रहा है। हाँ और कोई है जो अपनी क्लास फेलोज को नहीं देना चाहता? ये क्लास कहाँ चली गई है, मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। अरे ये तो मिस बोरिंग आ गई। बच्चों तुम लोग कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। अरे मेरी बात सुनो, तुम में से कोई भी पॉपिट के बारे में इन्हें नहीं बताएगा। हाँ मत बताना। नहीं बताते क्या, छूने दोगे? उसे पॉपिट बुरे लगते हैं। लेकिन हम तुम लोगों की मदद क्यों करें, क्या हम तुम लोगों को पागल लगती हैं? चलो ठीक है बच्चों, तुम क्या खुसल फुसल कर रहे हो, मेरी बात सुनी है? बताओ अभी मैंने क्या कहा है? अरे हमें पानी चाहिए था। ओ अच्छा, तो मैं क्या कह सकती हूँ, तुम लोग कभी भी मेरी बात नहीं मानते। ओह बात सुनो मेरी, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि लड़के पानी लाएंगे और लड़कियां सफाई करेंगी। जी पता चल गया। चलो अंदर की सफाई करो। जी मैं ठीक है। ओके। अगर मिस बोरिंग ने पॉपिट ढूंढ लिया तो हमें स्कूल जाना पड़ेगा। हाँ जिम वाले दोस्तों को बर्बाद करने के लिए। अरे मैं अब पानी लेकर जाता हूँ। अरे मुझे नहीं लगता वो बताएंगी, वो दोस्त है हमारी, वो क्यों? लेकिन मुझे लगता है। अरे मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गई, मैंने इतना बड़ा पॉपिट कभी नहीं देखा लाइफ में। लेकिन मुझे इन लड़कों का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ वाकई इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ हाँ चलो खैर जो भी है हमें करना तो होगा। अरे लड़कियों क्या बात कर रही हो, उसने बताया ना कि ग्लू अभी भी ताजा है, वो तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, क्या क्या हो गया? अच्छा तुम बड़ी साइड ले रही हो। मैंने तो वैसे ही कहा। ठहरो जरा मैं कपड़ा गीला करके लाई। अरे ये काम तो बहुत ज्यादा है। काम कहाँ से शुरू करें? हाँ ठहरो मैं बताता हूँ।
मैं टेबल साफ करता हूँ, तुम नीचे से करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जितनी जल्दी हम काम खत्म करेंगे उतनी जल्दी ही हम उस बड़े पॉपिट के साथ खेलेंगे। अरे मैं काम कर रही हूँ ताकि उनके साथ खेल सकूं। ये देखो सिंपल जिंपल और माइनक्राफ्ट। अरे तुम चाहती हो कि इन छोटे छोटे पॉपिट्स के साथ खेलो? हाँ वो कभी नहीं खेलेंगे। लेकिन मेरे पास तो यही है, क्या पता खेल लें। हाँ बढ़िया है मैडम। अरे तुम आ गए। ये देखो मैंने सारे डेस्क साफ कर दिए हैं। मैं कपड़ा गीला करके लाती हूँ। ओके। पता नहीं ये कहाँ से साफ किया है। शेरजा बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तुम कोई डील मत करना। अरे अगर हम अपनी चीजें स्विच कर लें तो? मैं समझा नहीं। मुझे भी नहीं पता चला। मतलब ये कि मैं तुम्हें अपना सिंपल डिंपल और ये वाला पॉपिट देने लगी हूँ और तुम मुझे बदले में जाइंट पॉपिट दे दो। क्या तुम होश में तो हो ना? मैं इतना बड़ा पॉपिट तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, वो भी इन छोटे पॉपिट्स की वजह से? हाँ तुमने सोचा भी कैसे ये? अरे नहीं मुझे सिर्फ ये एक दिन के लिए चाहिए, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। सिर्फ एक दिन के लिए? मैंने तुम्हें बताया कि वो अभी रेडी नहीं है, ग्लू अभी भी गीला है, बताया मैंने तुम्हें पहले ही। हाँ मैंने देखा है वो तैयार हो चुका है। अरे तैयार हो भी गया हो तो क्या? अरे मुझे पता है तुम लालची हो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करती। रुको मेरी बात सुनो। अरे तुम परेशान मत हो, ये तुम्हारा पॉपिट लेना चाहती है, तुम टेंशन मत लो। अरे तुम कितनी देर बाद आई हो, मैंने देखो डेस्क और विंडो सब कुछ साफ कर लिया है। अरे तो इसमें क्या बात है, तुम स्लो हो। अरे अब ऐसे तो मत कहो, उसने इतनी अच्छी सफाई की है। चलो चलें। अरे ये क्या हो गया, ये किसने तोड़ दिया? अरे ये तो उखड़ ही गया है, ये किसने तोड़ा होगा? अरे मैं तो कहती हूँ कि हमें पॉपिट छुपा देना चाहिए। हाँ हम तो स्कूल में अकेले हैं, चलो कर देते हैं। मुझे पक्का पता है वो यहाँ पर नहीं है। अच्छा तुम्हें कैसे पता है वो यहाँ नहीं है? यार हम अकेले हैं स्कूल में, चलो इसके लिए कुछ करते हैं। अरे शायद हम पॉपिट पेपर का बना लें। क्या हुआ, हो सकता है मैंने कुछ कहा तो नहीं? हाँ लेकिन हो तो सकता है, तो फिर वो कैसे बनेगा? ठहरो जरा। अभी वो लोग दूर हैं, चलो बना लेते हैं। चलो इसे उठाने में मेरी मदद करो। अरे ध्यान से। हाँ बिल्कुल। अरे शुक्र है काम हो गया। हाँ अरे उप्स। अरे मेरा पॉपिट किसने तोड़ा है? हमें तो नहीं पता भाई, मैं तो जब आई थी तो ये ऐसे ही पड़ा था। तो फिर ये किसने तोड़ दिया? यहाँ पर कौन है जो ऐसी हरकत कर सकता है? हाँ अरे हमें नहीं, हरकत हमने नहीं की। हमने हरकत नहीं की है।